मॉर्निंग किड्स, वेलकम टू SRV अकेडमी। टुडे आई अपर्णा वर्मा गोइंग टू डिस्कस विद यू सब्जेक्ट साइंस ऑफ क्लास 7th। दिस इज अवर फोर्थ चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर इज बेस्ड ऑन हीट। सो इन दिस चैप्टर आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू सम पॉइंट्स, दैट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द हीट, हाउ वी फील हॉट एंड कोल्ड, व्हाट डू यू मीन बाय द टेम्परेचर, द डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर, दैट इज सेल्सियस, फेरनहाइट एंड कैल्विन। सो दीज ऑल द पॉइंट्स आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू टुडे। Let's start the chapter heat. In chapter 3rd, you learned that woolen cloths are made from animals fiber. हम chapter 3rd में पढ़ चुके हैं कि जो woolen cloths होते हैं, they are made from the animal fibers. You also know that cotton cloths are made from the plant fiber. We wear woolen cloths during the winter when इट इज़ कोल्ड आउटसाइड। हम जो वूलन क्लॉथ्स होते हैं वो विंटर्स में पहनते हैं जबकि ठंड होती है। वूलन क्लॉथ्स कीप्स अस वार्म, वूलन क्लॉथ्स हमें गर्म रखते हैं। वी प्रेफर टू वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स व्हेन इट इज़ हॉट, और हम लाइट कलर के कॉटन क्लॉथ्स कब पहनते हैं, जब बहुत गर्मी होती है। दीज गिव्स अस फीलिंग ऑफ कूलनेस, क्योंकि उससे हमको ठंडक फील होती है, कूल फील होता है। वेन वी वेयर द वूलन क्लॉथ्स, वी जस्ट वेयर द वूलन क्लॉथ्स एट द विंटर टाइम एंड कॉटन क्लॉथ्स एट द समर टाइम, बिकॉज दे जस्ट गिव अस कूलनेस एंड एट द विंटर टाइम वूलन गिव अस हॉटनेस, है ना। यू माइट हैव वॉन्डर्ड Why particular type of cloths are suitable for particular season? हमको ये that you have to keep on your mind. Then why we are wearing the particular cloths on a particular season? एक particular season में हम particular cloths क्यों पहनते हैं? In winter you feel cold inside the house. Winter में हम घर के अंदर सर्दी feel करते हैं। If you come out in the sun, अगर हम sun में आ जाते हैं, सूरज की रोशनी में, धूप में आते हैं, you feel warm, हमको गर्मी feel होने लगती है। In summer you feel hot even inside the house. और गर्मियों में चाहे हम बाहर हों या अंदर, हमें गर्मी फील होती है, घर के अंदर भी फील होती है, बाहर तो फील होती है एट द प्रेजेंट ऑफ सन। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड, हम कैसे पता करेंगे कि कब ठंड है, कैसे मीन्स हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड, ये कैसा पता करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो गर्म है या ठंडी है, ठीक है। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़, कितनी गर्म और कितनी ठंडी है वो ऑब्जेक्ट, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर टू सम ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, एक्चुअली इस टाइप के सम पॉइंट्स का आंसर फाइंड करने की ही कोशिश इन दिस चैप्टर वी विल डू, है ना। सो दिस ऑल द थिंग्स आर बेस्ड ऑन योर अर्लियर चैप्टर, ये सब अर्लियर चैप्टर पे बेस्ड है कि ऑन अर्लियर चैप्टर यू हैव स्टडीड दैट वूलन क्लॉथ्स आर मेड बाय द एनिमल फाइबर्स एंड द कॉटन क्लॉथ्स आर मेड बाय द प्लांट फाइबर्स एंड वी जस्ट वियर द वूलन क्लॉथ्स एट द विंटर टाइम एंड वी जस्ट वियर द कॉटन क्लॉथ एट द समर टाइम, है ना। एंड कॉटन क्लॉथ्स कीप्स अस कूल एंड द वूलन क्लॉथ्स कीप्स अस वार्म, सो व्हाई वी जस्ट वेयर द वूल क्लॉथ इन विंटर एंड व्हाई वी आर वेयरिंग कॉटन क्लॉथ्स इन समर टाइम, व्हाई ऑब्जेक्ट्स आर फीलिंग हॉट एंड कोल्ड, दीज ऑल द थिंग्स वी हैव टू स्टडी हियर इन दिस चैप्टर हीट। हीट मीन्स होता ही ऊष्मा या किसी चीज़ का गर्म होना, ठीक है, हीट। सो नाउ कम ऑन योर नेक्स्ट पॉइंट, एंड नेक्स्ट पॉइंट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द हीट, एक्चुअली हीट से हम समझते क्या है, ठीक है। हीट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट क्या होता है, एक्चुअली एनर्जी का ही एक फॉर्म है। व्हेन वर्क इज़ डन एनर्जी इज़ प्रोड्यूस, जैसे ही कोई काम करते हैं हम तो क्या होता है, एनर्जी पैदा होती है, प्रोड्यूस होती है। लाइक व्हेन वी आर रनिंग, हम दौड़ रहे हैं तो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा गर्मी फील होने लगती है, दैट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूसिंग ऑफ एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। दिस एनर्जी मे बी हीट एनर्जी, ये जो एनर्जी तो हीट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट जो होती है वो एनर्जी का ही फॉर्म है। व्हेन वर्क इज़ डन एनर्जी इज़ प्रोड्यूस, जब काम होता है तो एनर्जी भी बनती है। दिस एनर्जी मे बी हीट एनर्जी, और ये एनर्जी जो कहलाती है वो हीट एनर्जी हो सकती है। इन विंटर्स सम आवर हैंड्स गेट नम,
वी रब अवर हैंड्स टुगेदर एंड कैन फील वार्म. जब हम अपने हाथों को विंटर के टाइम पे रगड़ते हैं, दोनों हाथों की हथेलियों का आपस में रगड़ते हैं, दैट इज़ द रबिंग. इस तरीके से हम रबिंग करते हैं तो हमको क्या होता है, वार्म फील होता है. दिस इज़ ड्यू टू द हीट एनर्जी प्रोड्यूस बाई फ्रिक्शन बिटवीन द हैंड. ये क्यों होता है, क्योंकि हमारे हाथों के बीच में उन हाथों को रगड़ने से एनर्जी, कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होती है. सो हीट इज़ द एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन दैम. तो क्या होता है, हीट इज़ द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एनर्जी का ट्रांसफर जो होती है ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन दैन, यानी टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो एक्चुअली में वो भी हीट ही होती है. दिस हीट एनर्जी इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्रॉम द बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट अ लो टेम्परेचर. जो इस एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है वो हमेशा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, मीन्स हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर होता है. ठीक है, हीट कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इन टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल, वेन अ कैंडल वन इन एयर, जब हम कैंडल को जलाते हैं तो भी क्या होता है, जो एनर्जी निकलती है, जो कैंडल का जलना, वो भी एक हीट का ही सोर्स है. केमिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इन टू हीट, है ना, केमिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इन टू अ हीट एंड लाइट एनर्जी. जब हम किसी कैंडल को बर्न करते हैं तो क्या होता है, केमिकल एनर्जी होती है, जो कैंडल्स होती हैं वो केमिकल प्रोसेस के थ्रू बनी होती हैं, तो वो केमिकल एनर्जी होती है जो कि हीट या लाइट एनर्जी में चेंज होती है. इन एन इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इन टू अ हीट एंड लाइट. इसी तरह से जब हम कोई इलेक्ट्रिक हीटर को ऑन करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, जो कि लाइट के थ्रू एनर्जी होती है, वो किस में कन्वर्टेड होती है, हीट और लाइट एनर्जी में. हीटर को ऑन करना, हीटर को ऑन करते हैं तो उसके बाद हम उस पर फूड वगैरह प्रिपेयर करते हैं, तो इट मीन्स क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है दैट इज़ कन्वर्टेड इन टू अ हीट और लाइट एनर्जी. ऑल दीज एग्जाम्पल शो दैट हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड वेरियस अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इन टू हीट एनर्जी. इस तरीके से हम देख सकते हैं इन सारे एग्जांपल से कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, की जो हीट होती है वो एनर्जी का ही एक फॉर्म होता है, और वेरियस अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्टेड कर सकते हैं. लाइक हमने फ़ैन ऑन किया तो फ़ैन ऑन करने, फ़ैन क्या है, एक इलेक्ट्रिक एनर्जी है ना, और वो भी कन्वर्ट हो गई है, है ना. तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम हीट एनर्जी को, हीट एनर्जी मीन्स एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, एंड मीन्स हियर हाउ हॉट एंड कोल्ड, मीन्स व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द हॉट एंड कोल्ड. हॉट एंड कोल्ड से हम क्या समझते हैं, गर्म या ठंडा. इन अवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट. हम अपनी डेली की लाइफ में कई ऐसी चीज़ों के कॉन्टेक्ट में आते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स के कॉन्टेक्ट में आते हैं जो कि ठंडी भी होती हैं और गर्म भी होती हैं. सो ऑन योर एक्टिविटी 4.1 एक्चुअली यू हैव टू मैंशन, आपको मैंशन करना है दोज ऑल द थिंग्स वॉट आर कोल्ड इन मीन्स. आपको यू हैव टू मैंशन दैट ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड और दैट ऑब्जेक्ट्स आर वार्म. कौन से ऑब्जेक्ट्स वार्म होते हैं, कौन से कोल्ड होते हैं. लाइक आइसक्रीम आपकी कोल्ड होगी कि वार्म होगी, स्पून इन अ टी कप आपका कोल्ड होगा या क्या, दैट ऑल हैव टू मैंशन ऑन योर लिस्ट ऑफ 4.1, एक्टिविटी नंबर 4.1. ओके, सो दिस यू हैव टू डू योर सेल्फ. सो लुक हियर, in our day to day life we come across a number of objects, some of them are hot and some of them are cold. bahut se usme garam hote hain, bahut se usme thandi hoti hain. tea is a hot and ice is a cold. चाय जो होती है वो गर्म होती है, और जो हमारी आइस होती है, बर्फ होती है, वो कैसी होती है, ठंडी होती है. ओके, लिस्ट सम ऑब्जेक्ट यू यूज़ कॉमनली इन टेबल 4.1, मार्क दीज ऑब्जेक्ट्स एज हॉट एंड कोल्ड. वो तो मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है 4.1 में, कि आपको लिस्ट करना है ऐसे ऑब्जेक्ट्स के, कौन से ठंडे हैं, कौन से गर्म हैं, दैट यू हैव टू डू ऑन योर 4.1 एक्टिविटी. डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट. कभी भी हमें ऐसे ऑब्जेक्ट को टच नहीं करना चाहिए जो बहुत गर्म हो. बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और अ स्टोव. और हमेशा अवेयर रहना चाहिए जब हम किसी कैंडल को जला रहे हैं, स्टोव को जला रहे हैं, कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो हीट से रिलेटेड है, उसके लिए हमेशा हमें अवेयर होना चाहिए. वी सी दैट
सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट. हम देखते हैं कि बहुत से ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि उनमें से बहुत से कोल्ड होते हैं, बहुत से हॉट होते हैं, ठीक है ना. यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर. ये भी हमने देखा है कि कई सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो दूसरे के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, वाइल सम आर कोल्डर देन अदर्स. और कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरे के कंपैरिजन में बहुत ठंडे होते हैं. हाउ डू वी डिसाइडेड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर देन द अदर. हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि जो एक ऑब्जेक्ट है वो दूसरे से इतना गर्म है या कितना ठंडा है. वी ऑफन डू इट बाई टचिंग द ऑब्जेक्ट. और ये अक्सर हम कैसे पहचानते हैं, किसी चीज़ को छूकर. जब तक हम छूएंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि ये ठंडा है या गर्म है. If we are touching any pot and it is hot, तो हमें छूने से ही पता चलता है कि वो पॉट गर्म है. बट इज़ आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल, डेट लेट अस फाइंड आउट. पर हमारी जो सेंस है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं, हम उस पर विश्वास कर सकते हैं कि नहीं, लेट अस फाइंड आउट. हम इसको खोज करके देखते हैं. सो हियर इन एक्टिविटी 4.1 इन्होंने क्या किया, टेक 3 स्मॉल टब्स और कंटेनर. 3 छोटे तब लिए या कंटेनर्स लिए, लेबल एज आ ए बी सी, उनको ए बी सी लेबल किया. पुट कोल्ड वाटर इन मग ए, हॉट वाटर इन मग बी. एक मग में क्या लिया उन्होंने, कोल्ड वाटर, एक में ठंडा और एक में मिक्स वाटर ले लिया, ठीक है ना. फिलिंग वाटर इन 3 कंटेनर्स, फिलिंग वाटर इन द 3 कंटेनर. मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट सो हॉट दैट यू वॉर्म योर हैंड. और हमेशा याद रखना है कि जब हम ये एक्सपेरिमेंट करें तो पानी इतना भी गर्म नहीं लेना है आपको कि आपका हाथ जल जाए, ठीक है ना. मीन्स जिस पॉट में आप हॉट वाटर ले रहे हो वो इतना भी हॉट नहीं होना चाहिए कि आपका हाथ बर्न हो जाए, आपका हाथ जल जाए. ओके, नाउ सो लेट्स फाइंड आउट. सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इज इन मक्सी, थोड़ा सा ठंडा और थोड़ा सा गर्म पानी, मिक्स पानी यानी कि सी में लिया. नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन मगे, आपने अपना लेफ्ट हैंड मगे में डाला. एंड द राइट हैंड इन मग बी, और राइट हैंड डाला मग बी में. आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन 2 मग्स फॉर 2 to 3 मिनट, 2-3 मिनट के लिए जब तक हमने हाथ अपना उसमें डिप करके रखा. पुट बोथ द हैंड साइमल्टेनियसली इन मक्सी. अब एक एक करके हम अपना हाथ क्या करेंगे, मक्सी में डालेंगे. डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग्स, क्या आपको दोनों हाथों में सेम फीलिंग्स आ रही है, ये आपको एक्सपेरिमेंट करना है. वूजो सेज माय लेफ्ट हैंड टेल्स मी द वाटर इज मग इज सी इज हॉट. वूजो कह रहा है कि उसका लेफ्ट हैंड बता रहा है कि जो वाटर है मक्सी में वो हॉट है, और राइट हैंड बता रहा है कि जो वाटर है वो कैसा है, कोल्ड है, ठीक है ना. लेफ्ट हैंड क्या बता रहा है कि पानी बहुत ज़्यादा हॉट है, और राइट हैंड क्या बता रहा है कि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, क्योंकि जो हमारा सी मग था उसमें हमने दोनों ही तरीके के पानी मिक्स किए थे. तो दैट एक्सपेरिमेंट यू जस्ट हैव टू डू दैट. व्हाट आर यू फीलिंग थ्रू योर हैंड, आपके हैंड से आप क्या फील कर रहे हो. Wuzo confusions shows that we cannot always rely on your sense of touch to decide whether an object is hot or old. तो वो जो कन्फ्यूज़ हो गया है कि क्या वाकई में वो अपने सेंस से, यानी टच करने के सेंस से ये बता सकता है कि ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है. समटाइम्स इट मे डिसीव अस, कभी कभी मतलब उसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है. देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली, तो आप कैसे वाकई में ये निकालोगे कि कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है. वो जो यहाँ पे कन्फ्यूज हो गया, उसने जब मिक्स वाटर में अपने हैंड डाले तो उसको लेफ्ट हैंड में क्या हुआ, लेफ्ट हैंड में उसको बहुत हॉट फील हुआ और राइट हैंड में उसको बहुत ज़्यादा कोल्ड फील हुआ. तो मुझे कन्फ्यूज़ हो गया है कि क्या हम वाकई में टच के सेंस से ये बता सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म या कितना ठंडा है, क्या इस बात को हम रिसीव कर सकते हैं एक्चुअल में, ठीक है. देन हाउ टू बी फाइंड आउट हॉट एंड कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है, कैसे हम पता करेंगे. आ रिलायबल मेज़र ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द टेम्परेचर. द रिलायबल मेज़र ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर. किसी भी ऑब्जेक्ट की का गर्म होना है वास्तव में उसका टेम्परेचर होता है, कि हम उसके टेम्परेचर के थ्रू एक्चुअली वास्तव में बता सकते हैं कि वो कितनी गर्म है. सो टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय द
डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर, और हम जो टेम्परेचर नापते हैं वो किस डिवाइस से नापते हैं, दैट इज़ थर्मामीटर। थर्मामीटर यानी अ रिलायबल मेज़र ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का वास्तव में उसकी हॉटनेस नापने का को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर, और ये टेम्परेचर जो होता है एक डिवाइस के थ्रू हम नाप सकते हैं जिसे हम थर्मामीटर कहते हैं। ओके, नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टेम्परेचर। एक्चुअली टेम्परेचर इज़ अ रिलायबल मेज़र ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। टेम्परेचर एक्चुअली क्या होता है, एक विश्वसनीय मेज़र, रिलायबल मीन्स विश्वसनीय मेज़र, डिग्री ऑफ हॉटनेस, कितना कोई चीज़ गर्म है, कितनी कोई ठंडी है, ठीक है ना। हमारी बॉडी का टेम्परेचर नापना वास्तव में वो कितना गर्म है या कितना ठंडा है वो हमारा टेम्परेचर कहलाता है। इट टेल्स अस प्रेसाइजली हाउ हॉट और कोल्ड अ बॉडी इज, ये वाकई में वास्तव में हमें एग्जैक्टली बताता है कि किसकी बॉडी कितनी ठंडी है कितनी गर्म है। द हॉटर एन ऑब्जेक्ट इज़ द हायर विल बी इट्स टेम्परेचर। किसी वस्तु का बहुत अधिक गर्म होने पर क्या होता है, उसका टेम्परेचर उतना ही हाई जाता है, ठीक है ना। जब कोई ऑब्जेक्ट जितना गर्म होगा उसका टेम्परेचर उतना ही हाई होगा। यूज़ अ डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर टू मेज़र टेम्परेचर। जिस डिवाइस का हम यूज़ करते हैं मेज़रमेंट के लिए, टेम्परेचर के लिए, वो डिवाइस हमारी कहलाती है थर्मामीटर। क्या डिवाइस होगी, दैट इज़ अ थर्मामीटर। सो डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। अब हम यहाँ पर लेट अस टॉक अबाउट द डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर्स के डिफरेंट क्या स्केल्स होते हैं, दैट वी आर टॉकिंग हियर। सो द कॉमनली यूज स्केल्स आर सेल्सियस, फेरनहाइट एंड केल्विन। जो टेम्परेचर नापने के जनरली स्केल्स होते हैं वो सेल्सियस, फेरनहाइट और केल्विन कहलाते हैं। सो फर्स्ट हियर आई एम गोइंग डिस्कस विद यू अबाउट द सेल्सियस। हम सेल्सियस के बारे में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। सेल्सियस स्केल, दिस स्केल हैज़ अ रेंज फ्राम 0 degree to 100 degree। जो सेल्सियस की जो स्केल रेंज होती है वो कितनी होती है, 0 to 100 degree। वेयर 0 degree इज़ द मेल्टिंग पॉइंट। 0 degree क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस, एंड 100 degree इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। दिस थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर ऑन योर माइंड। ऑन सेल्सियस स्केल द स्केल द रेंज इज़ 0 degree to 100 degree, और जो 0 degree होता है दैट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस, एंड 100 degree इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। द डिफरेंस बिटवीन द 0 degree and 100 degree इज़ डिवाइडेड इंटू 100 division, और ये डिफरेंस को डिवाइड किया जाता है 0 to 100 degree जो सेंटीग्रेड होते हैं उनको डिवाइड किया जाता है 100 division में, 100 division 100 parts में उनको डिवाइड किया जाता है। यू कैन सी हियर, यहाँ पर आप इसमें आप देख सकते हो, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट, हियर द फ्रीजिंग पॉइंट, एंड हियर द बॉइलिंग पॉइंट, और ये 100 division होते हैं, छोटे छोटे ऐसे ऐसे डिवीजन, सम लाइन्स आर देयर, इट इज़ कॉल्ड अ डिवीजन। ये पूरे 100 होते हैं हियर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लेट्स टॉक अबाउट द फेरनहाइट स्केल। अब हम बात करते हैं फेरनहाइट स्केल की। सो फेरनहाइट स्केल, दिस स्केल हैज़ अ रेंज, इसकी जो रेंज होती है दैट इज 32 degree Fahrenheit to 212 degree Fahrenheit, वेयर 32 degree Fahrenheit इज टेकन एज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस। यहाँ पर 32 degree Fahrenheit को हम आइसिंग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस मानते हैं, और 212 degree Fahrenheit इज टेकन अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज डिवाइडेड इंटू 180 division, और उनके बीच में कितने डिविजन्स होते हैं, 180 division होते हैं। दैट एवरीथिंग यू हैव टू रिमेंबर ऑन योर माइंड, दैट केल्सियस जो स्केल होती है, सेल्सियस स्केल जो होती है वो होती है 0 degree to 100 degree, और उनके बीच में 100 division होते हैं। 0 degree जो होता है मेल्टिंग पॉइंट इज अ दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस, एंड द 100 degree इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। एंड द फेरनहाइट स्केल रेंज इज 32 degree Fahrenheit to 212 Fahrenheit होता है, एंड 32 Fahrenheit इज द मेल्टिंग पॉइंट फॉर द आइस, एंड द 212 degree Fahrenheit इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, और इनके बीच में जो डिवीजन डिफरेंस होता है दैट इज 180 divisions आर देयर। ओके, नाउ केल्विन स्केल, लेट्स टॉक अबाउट द केल्विन स्केल। अब हम केल्विन स्केल के बारे में डिस्कस करते हैं। केल्विन स्केल वॉज इन्वेंटेड बाई लॉर्ड केल्विन। जो केल्विन स्केल है इसकी जो डिस्कवरी की थी वो लॉर्ड केल्विन ने किया था। इट इज़ यूज मोस्टली बाई साइंटिस्ट इन लेबोरेटरीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ज़्यादातर मोस्टली साइंटिस्ट के द्वारा लैब में इसका यूज़ किया जाता है।
ऑन दिस स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 273 केल्विन. फ्रीजिंग पॉइंट जो इस स्केल पर जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का वो होता है 273 केल्विन अप्रॉक्स. ओके एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज 373 अप्रॉक्स. द डिग्री साइन इज नॉट यूज इन द केल्विन स्केल. केल्विन इज ऑल्सो द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर. और केल्विन को हम एसआई यूनिट कहते हैं टेम्परेचर की, यानी टेम्परेचर नापने की एसआई यूनिट, एसआई इकाई जिसे कहते हैं वो हमारी केल्विन होती है. ओके अंडरस्टूड. केल्विन इज इन्वेंटेड बाय लॉर्ड केल्विन एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 273 केल्विन अप्रोक्स एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज 373 केल्विन एंड केल्विन इज ऑल्सो एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर. सो हियर आई हैव डिस्कस विद यू अबाउट एवरीथिंग दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द हीट. ओके व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कोल्ड एंड हॉट ऑब्जेक्ट्स, है ना. And how you can feel that water is hot, cold, है ना. That experiment I have also discussed with you in this chapter. Then what do you mean by the temperature and what different scales of the temperature means Celsius, Fahrenheit, Kelvin. These everything I have discussed in video today. So please like this video, subscribe the channel, and if you have any doubt then you can ask me. So read this chapter carefully for the today. Thank you and have a nice day, kids.